एवरीवन, वेलकम टू माय दिस ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। मैं नहा धो के जा रही हूँ छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि जो सुबह सुबह का मौसम होता है ना, बड़ा अच्छा होता है। तो सबसे पहले किचन से पहले निकलती हूँ थोड़ी देर छत पे, उसके बाद जाके किचन के काम करेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और ऊपर चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा और सूरज तीसरा जुबे प्रकट हो चुके। जब अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ना मैं, तो बिल्कुल रेड रेड सा होता है, क्योंकि अभी सनराइज़ होना होता है। तो उतनी देर में मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ और वो वाला जो व्यू है वो मैं मिस कर देती हूँ। मैं वॉशरूम में नहा रही थी ना, तो मुझे कॉयल की इतनी अच्छी आवाज़ आई ना, तो मेरा मन फटाफट से छत पे जाऊँ और सुबह सुबह के ये जो है व्यू है इसका नज़ारा ले। फिर उसके बाद सारा दिन बिल्कुल भी फ्रेश एयर लेने का टाइम नहीं होता। तो अभी छत पे चल रही है ठंडी ठंडी हवा और चल रहे हैं भजन, जो कि सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्राइडे कल और परसों की है हमें छुट्टी, तो फ्राइडे को खुशी होनी शुरू हो जाती है। तो मम्मी जी ने गोभी भी कट कर दिया है, आलू कट कर दिया है, प्याज कट कर दिया, सारा सामान रेडी है। और वो खुद दूध निकालने गए हैं और मैं आई हूँ किचन में। किचन में बना रही है सब्जी। सॉरी, अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे चलता। और मुझे याद आया गोभी में मटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े से पड़े और गोभी भी थोड़ी क्वान्टिटी में बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें साथ साथ थोड़े से मटर छील के गोभी में ऐड किए जाएँ, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने रख दिया चलता। Get ready? Ready हो गया है। अनवित आप कहाँ जा रहे हो? पंकज टाई आप खुद लगा देना, मेरे से लंबी टाई और मैं इसको बेल्ट लगा। तो बेल्ट कहाँ पे है इसकी? जो है वो स्कूल जा चुके हैं। अभी खाना मेरे को बनाना पड़ रहा है, सिर्फ अनवीत का टिफिन ही रेडी करा है। अभी 7:45 हो रहे हैं, बाकियों के लिए खाना रेडी करना, हमने अपने लिए टिफिन पैक करने। और ऐसे होता है जल्दी सुबह सुबह भागम भाग, उठने को हम जल्दी भी उठ सकते हैं, बट क्या करें, 5:30 उठते फिर सोचो कि सारा दिन ऐसे ही खड़ा रहेंगे। अगर 5 बजे उठ जाए ना तो सारा काम इजीली हो जाएगा, बट क्या है रात को 11:30 हो जाते हैं सोने में। कि मैं आज जल्दी आ चुकी हूँ ऑफिस से घर, और घर आने का एक रीज़न ये था क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी और घर पे ना आर्किटेक्चर नहीं आना था। वैसे तो वो भैया एक दो बार आ चुके हैं, बट कुछ एडिशन इन्होंने सुबह कॉल करी थी उनको, तो वो पूछ रहे थे कि मैम घर पे है कोई या नहीं। तो मैंने कहा घर पे तो कोई भी नहीं है, मैं भी ऑफिस हूँ, भैया को कॉल करी वो बिज़ी थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही निकलती हूँ, क्योंकि मम्मी डैडी जी थे बट उनको इतना पता नहीं चलना था जो चीज़ें हमने अपने अकॉर्डिंग करवानी थी। तो इसलिए मैं आई हूँ घर। और इधर ये चाची जी की तरफ सो रहा था। दोपहर में क्या खाया आपने? ये भंडारा खाने गए हुए थे हमारे ना घर के नियर बाय मंदिर में भंडारा था, क्योंकि उसको बने हुए आज के दिन वो उसका निर्माण हुआ था, बना था मंदिर, तो उसी की वर्षगांठ। दादी के साथ गया था ना, दोनों दादियों के साथ। क्या खा के आए वहाँ पे? हाँ, अब ठीक हो गई। इसने वो सामने वाले गेट में दे दी थी, अब तो ठीक हो चुका है मेरा लाडू। कैसे लग ऐसे? फिर शरारतें करने से हटता है नहीं। अच्छे से उठा कर चल, आ जा, उठ गया ना, सो के खेल ले थोड़ी देर, फिर इसको मुझे पढ़ाना है। और मैंने इसके लिए बना दिया है मैगी, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं जल्दी आ गई तो थोड़ा सा इसको मैगी खिला देती हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको मैगी नहीं मिली है, मैंने आज बना ही दी। मैंने बिठाया है, ये कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा हुआ है, यम्मी है। कई बार क्या होता है जो जल्दबाजी में चीज़ बनाता है ना, बड़ी टेस्टी बनती है। और मैगी जो है वो बहुत अच्छी बनी है, मैंने ये जल्दी जल्दी में बनाई, मेरे को खा के अनवीत को पढ़ाना भी है। और अभी मैं भी इसको खिला रही हूँ और ये भी अच्छे से खा रहा है ध्यान से। और मैं बैठी हूँ नीचे इसके पास, मैंने कहा पहले खा ले फिर तेरे को मैं स्टडी करवाती हूँ। तो अभी ये भी मेरे साथ नीचे बैठ रहे हैं। तो अभी मैंने सर को कॉल करा था, मैंने कहा अभी टाइम जो है वो 6 बज रहे हैं कि मैं ब्रांच में आऊंगी, कहते नहीं हम भी निकल ही रहे हैं, अब तू घर पे रह बच्चे को देख। मैंने कहा ठीक है, मंडे को जो मेरा काम है वो मैं कर दूंगी। अकाउंट्स हमें एक्चुअली ना टारगेट्स रहते हैं, अकाउंट्स खोलने, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, ये वो सो बहुत सारे काम होते हैं। तो हाँ जी, ओहो मुझ गया इसका, ये को जो मैं काम के लिए आई थी वो हो गया, भैया भी मिल गया।
तो ऐसे आना पड़ा जल्दबाजी में। नज़दीक का जॉब का यही फायदा है, हम एनी टाइम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो घर पे आ सकते हैं। अभी हम दोनों माँ बेटा कर रहे हैं मैगी इंजॉय, है ना। अच्छा चटोरा तो तू बहुत है, इसकी वजह से अंदर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। बट बच्चे क्या है, बाहर पढ़ते नहीं है तो इनको अंदर ही बिठाना पड़ता है। और मैंने विंडो ओपन कर दी है। हमारा एक्चुअली ना एसी का जो कनेक्शन था वो पुराने घर के साथ था, तो वो अभी वहाँ से वायर्स वगैरह कट करी हैं। आज हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हुआ था कि इसका जो अब टूट गया, अब कोई डर नहीं है, तो वहाँ पे अलग से एक सप्लाई लगवाई हुई है हमने ना। जो बोर्ड हमारा पुराना था वो ऐसे ही टेम्प्ररी रखा हुआ है, तो वो कहते हैं जब एसी चलाना हुआ तो मेरे को एक बार कॉल कर देना, तो वो भी आएंगे। मम्मी बोल रहे थे कि 4 बजे बुलाया, बट अभी आया नहीं है, तो दोबारा कॉल करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है अंदर, बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा। अब मेरे फेस से भी देख सकते हो कैसे ऑयली ऑयली सा लग रहा है और गर्मी लग रही है। अभी मैं अनवित को नहलाऊंगी फ्रेश करके, फिर इसको मैं पढ़ाऊंगी, तभी इसका मन लगेगा, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा इसको, अदरवाइज गर्मी में बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। छुट्टे वाले दिन क्या काम होता है, कपड़ों की धुलाई, और रात को मैंने डाल दिए थे शाम को बेडशीट्स वगैरह, और अभी डाले हैं दूसरे कपड़े। ऐसे होता है कि थोड़ा थोड़ा करके जो काम हो जाए वो सही रहता है। रणवीर भी इधर उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। आज तो अपने खूब नींद करी, आज मैं भी 7:45 उठी हूँ और 7 बजे तक नहा धोके फ्री होके आ चुकी थी किचन में। और आज हम खाने में बनाएंगे आलू वाले परांठे। और इधर मैंने जो कपड़े रात को डाले थे ना, मैंने सोचा कि मैं पहले इनको सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि पंकज जी और भैया जो है वो खेत में ही काम करेंगे, क्योंकि जो अरे नो वो ना खेतों से ना बड़े बड़े चूहे जो है ना वो ऐसे बेड़े में घूम रहे थे, तो मम्मी ने बोला सब डोर बंद कर लो, तो ये अब शोर मचा मचा के बता रहा है कि चूहे निकले के दरवाजे बंद कर लो। ये बाद में आएंगे, अभी जब पूरी तरह से खाली करेंगे इनको, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे मक्की, भुट्टे, छलियाँ। ट्रैक्टर वाले को लाएंगे। हाँ तब आएगा ट्रैक्टर वाला, अभी थोड़ा आएगा। मोटर भी लानी है। मोटर तू अब कहाँ जा रहा है अकेला? सब कुछ ऐसे रखा है, अभी इसको क्लीन करके मिट्टी झाड़ के ऊपर ही इसको मम्मी साफ करके रख देगी। ऐसे इतना मोटा मोटा लहसुन है हमारे घर का, मैंने छोटे कुकर में बॉयल होने रख दिए थे, मम्मी ने यहाँ पे लहसुन प्याज गाइस। आप लोग भी अगर आलू के परांठे बनाते हो ना तो उसमें लहसुन जरूर ऐड करना, और उसका टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, जैसे हम गार्लिक नान खाते हैं ना बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये हम कम डालेंगे क्योंकि दोपहर को बनाने हमें मटर पनीर, जो उसके लिए रखेंगे, प्याज हम और कर लेंगे, ये सिर्फ आलू के परांठे के लिए हो गया। आपको बताऊंगी आलू के परांठे बनाने के लिए हम उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, वैसे तो सबको पता ही है मोस्टली सब बनाते हैं, बट हम किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। ये मैंने अभी इसमें रख दिया है जीरा जो भूनने के लिए, वैसे तो मैं इसको ग्राइंड करके डालती हूँ, आप नॉर्मल भी डाल सकते हो इसको। तो मैं इसको, मेरे पास इतना टाइम है क्योंकि भैया को जाना है सानवी के स्कूल, तो मैं इसको फटाफट से हल्का सा भून दिया है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ये है, अदरक मिर्ची का पेस्ट, ये लहसुन डालेंगे, और ये है प्याज, और ये आलू जो मैंने मैश करके रख लिया है, ये है हमारे घर का धनिया, और स्प्रिंग अनियन जो प्याज की भूखे होती है ना, इसको स्प्रिंग अनियन होते हैं, ये डालेंगे। और ये मैंने यहाँ कर लिया है जीरा अपना ड्राई रोस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, बस इतनी सी ताकि डाइजेस्ट हो जाए। ये मैंने इसमें डाला है घर का बना हुआ काला नमक, जो आपने मम्मी की रसोई चैनल में देखा ना, हमने भी सेम वैसे ही बनाया है, ये परांठों में और दही में डाल के अच्छा लगता है, तो मैं परांठों में इसी को यूज़ करती हूँ, तो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें, आलू लगाइए भी थोड़ा सा डाल लिया, लाल मिर्च हम एक मिनट अनवित के लिए निकालना है, ठाकुर जी को हम मीठे का ही भोग लगा देंगे, ऐसे मैं निकालने को लहसुन वाला निकाल देती थी बट फिर मेरे दिमाग से निकल गया। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, मेरे को हाथ से करना पड़ रहा तभी अच्छे से मिक्स हो पाता है, अदरवाइज हम अगर करें इसको किसी कड़छी की हेल्प से तब इतने से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। और अनवित के लिए मैंने बिना मिर्ची के थोड़ा सा निकाल दिया साइड से, और इसमें मैंने करी है रेड चिल्ली थोड़ी सी ऐड, क्योंकि घर वालों को थोड़ा तीखा पसंद है। ये हमारा कुछ इस तरह से जो आलू का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है, और अब बनाते हैं गर्मा गर्म परांठे। गर्मा गर्म परांठा जो है रेडी है, ऑयल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगा,
अनवीत किधर गया? ट्रॉली और ये लगाओ इधर देख काके चला। बहुत शौक है इसको ट्रैक्टर का और खेत से निकल के यहाँ पहुंच चुका है। नैनी जी खा चुके हैं और मम्मी जी कर रहे हैं कनक का काम, क्योंकि जिन लोगों को कनक देनी है वो थोड़ी सी साफ करके देनी पड़ती है। तो मैंने वर्कर्स के लिए चाय, बाकी सब फैमिली मेंबर्स ने खाना खा लिया है। मैंने, पंकज जी और अनवित ने खाना है, क्योंकि अनवित कह रहा है मम्मा पहले मुझे नहला दो। पंकज जी भी खेत में काम कर रहे हैं, वैसे तो उन्होंने दूध वगैरह ले लिया है, तो कहते खाना रुक के खाएंगे। और टाइम जो है वो 9:45 सो रहे हैं, भैया चले गए हैं सानवी की मीटिंग में, मम्मी कर रहे हैं चाची जी के साथ कनक का काम, और मैंने अभी अनवित को जस्ट नहलाया है और इसको डाल दो कपड़े और सबको गुड मॉर्निंग कर दो एवरीवन। ओके तो मम्मा को तंग तो नहीं करोगे? नहीं। अच्छा बच्चा बनना, आज छुट्टी आपको, ठीक है? आपने स्टडी करनी है। बाल क्यों पकड़े मम्मा के? स्टडी क्यों करनी है? स्टडी काम नहीं करना? चला कपड़े डालू तेरे को। नहीं।